इस सूप को पी के आप 8 दिन में ही अपना 5 किलो वजन तक कम कर सकते हो। तो दोस्तों, ये है वेजिटेबल ओट सूप, एकदम सिंपल और बहुत ही ज्यादा टेस्टी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले हम 1/4 कप ओट्स को गर्म पानी में भिगो देंगे लगभग 1 से आधे घंटे के लिए, और तब तक हम वेजिटेबल्स तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए है कैबेज, कैरेट, कैप्सिकम और ऑनियन। तो यहाँ पे आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जियाँ ले सकते हो। अब आप कोई भी कढ़ाई या पैन ले लेंगे और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, जिसको बहुत अच्छे तरह से चॉपर से चॉप कर लिया है, और साथ में बिल्कुल थोड़ा सा अदरक ऐड करेंगे, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पे लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि हमें लहसुन का ही फ्लेवर चाहिए। अब इसको हल्का सुनहरा होने तक हम भून लेंगे, और जैसे ये थोड़ा सा कुक हो जाए इसमें हम बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देते हैं। 2 से 3 मिनट प्याज को इसी तरह से लो फ्लेम पर भून लेंगे। और अब मैं इसमें 1/2 कप बारीक चॉप किए हुए पत्ता गोभी ऐड कर रही हूँ, साथ में थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं और थोड़ी मटर ऐड करेंगे। इसी के साथ 1 चम्मच नमक डाल देंगे। मैं यहाँ पे गाजर डालना भूल गई थी, तो अब मैं यहाँ पे गाजर भी ऐड कर दे रही हूँ। और इन सब सब्जियों को अब हम कुक करेंगे। तो इसको इस तरह से थोड़ा सा चला देते हैं और नमक के कारण ये सभी सब्जियाँ पानी छोड़ देंगी, और इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर कुक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद लिड हटाकर देखेंगे तो देखेंगे कि सब्जियाँ बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। हमको इनको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इतना भर कि ये कच्ची ना लगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो ध्यान रहे यहाँ पर आपको हल्का गर्म पानी ऐड करना है ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो ना रुके। अब आपको सूप कितना रसीला रखना है वो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। अब जो ओट्स हमने भिगा के रखे थे वो भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 ओट्स पहले ऐड कर दिए थे, पर कैमरा ऑन नहीं था इसलिए वो दिखे नहीं, इसलिए बाद में मैंने जो थोड़े ओट्स ऐड करे हैं वो दिखाने के लिए करे थे। तो सारे ओट्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं अच्छी तरह से, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और इसको फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तब तक हम धनिए को बारीक काट लेते हैं। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सूप बिल्कुल बन गया है। ऊपर से मैं थोड़ी सी काली मिर्च और काला नमक ऐड कर रही हूँ, और इसको मिक्स कर देते हैं, और आपका सूप बनकर तैयार है। आप इसे धनिया पत्ती से गार्निश कीजिए और सर्व कीजिए। तो दोस्तों, हम तो गरम गरम सूप का मजा ले ही रहे हैं, आप भी इसे ट्राई कीजिए, बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। और इसमें है ओट्स, तो आपको भरा भरा फील होगा, आपको इसको खाने के बाद भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। और इस सूप में हमने कोई भी गाढ़ेपन के लिए कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड नहीं किया है, ये अपने आप में ही बहुत ही टेस्टी और गाढ़ा बनता है। तो दोस्तों, आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।